हमारे खास शो यूपी बोल रहा है, मैं बहुत स्वागत है आपका आज साथ आपके, मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। बाबा फिर आएंगे, जी हां, मां एग्जिट पोल सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में यही गूंज रहा है। तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत का अनुमान लगाया गया है। जी मीडिया के महा एग्जिट पोल में भी बीजेपी की महा जीत का इशारा है। जाहिर है अगर योगी को जीत मिलती है तो इसका साफ साफ मतलब है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर लौटने वाला है और माफियाओं पर बाबा का हंटर चलने वाला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, मुलायम सिंह यादव अखिले श्री यादव। बुलडोजर जीता, बुल हारा। गन्ना गर्जा, जिन्ना गायब। दो हजार सत्रह दोहराएंगे, बाबा फिर आएंगे। होली से पहले यूपी की सियासी फिजा में भगवा रंग छा चुका है। नतीजों से पहले महा एग्जिट पोल ने यूपी में बीजेपी लहर का इशारा कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि बीजेपी 2017 वाला करिश्मा 2022 में फिर से दोहराने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल ने योगी सरकार की वापसी पर मुहर लगा दी। तमाम न्यूज चैनल्स पर आए एग्जिट पोल्स की माने तो यूपी की सत्ता में बाबा फिर से आने वाले हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चुनाव प्रचार के दौरान हो रहे भारी घमासान के बाद यूपी में कड़ी टक्कर होने की अटकलें लगाई जा रही थी। सियासी पंडित भी ऐसा मान रहे थे कि शायद इस बार बीजेपी को 2017 जैसी बड़ी जीत न मिले, लेकिन एग्जिट पोल में कहा गया है कि तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए जनता ने इस बार भी योगी सरकार पर भरोसा जताया है। हालांकि अंतिम नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स का अनुमान नतीजों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को जश्न में डुबो गया। जी हिंदुस्तान के महा एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिख रही है। चुनाव प्रचार में भारी घमासान के बीच सत्ता की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर 20 पड़ते नजर आ रहे हैं। महा एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी गठबंधन को 268 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन 120 सीटें जीत सकता है। बीएसपी को महज 8 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं यूपी में कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर सिमट सकती है। परिणाम बदलने वाला है और बटन दबा दो, साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, डेढ़ दिन और देख लेंगे तो उसमें क्या नुकसान होएगा, उनको देख लेने दीजिए, डेढ़ दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाति की राजनीति के ऊपर जाके वोट पड़ा है ना, जाति की राजनीति होती तो ये जो रीजनल पार्टी उनको फायदा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जब जीतती है, चाहे वो 2017 हो, 2019 हो, 2022 भी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके अंदर साफ हो रहा है कि जाति की राजनीति नहीं चली है, इस दफे केमिस्ट्री चली। अगर एग्जिट पोल्स का अनुमान सही नतीजों में बदलता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत होगी, बल्कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए भी बड़ा बूस्टर होगा। एग्जिट पोल के नतीजों के बीच जहां एक ओर बीजेपी खेमा गदगद है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ट्वीट कर सपा कार्यकर्ताओं को अलर्ट करने को कह रहे हैं। बबुआ का ट्वीट साफ तौर पर उनकी टेंशन को दिखा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है, यूपी में सपा की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव ने लिखा कि सातवें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है। सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार, हम सरकार बना रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत के बड़े मायने होने वाले हैं। यूपी में दोबारा सरकार आने पर ब्रांड योगी को बड़ी मजबूती मिलेगी। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर उनकी छवि और भी ज्यादा निखर कर सामने आएगी। वहीं यूपी में योगी आने वाले वक्त में निर्विवाद रूप से बीजेपी का चेहरा हो जाएंगे। बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर और बाहर से
फिलहाल कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा। यूपी में चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल पर सभी नजरें गड़ाए बैठे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार एग्जिट पोल में नतीजों के जो अनुमान लगाए गए हैं वो एकदम सही साबित होंगे। फिर भी सभी को 10 मार्च का इंतजार है, जब ईवीएम खुलने पर असली नतीजा बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी यह दावा कर रही है कि बीजेपी को जीतने वाले सभी एग्जिट पोल जो बीजेपी को जिता रहे हैं वैसे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। सांड पर भारी बुलडोजर 403 का चक्रव्यूह देखिए। बाबा वर्सेस बबुआ, यूपी में हुआ बड़ा खेला। एग्जिट पोल का करंट सदमे में समाजवादी। 803 सीट का नहीं है, बीजेपी प्लस को 179, समाजवादी पार्टी प्लस को 103। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का जनादेश किस पार्टी को मिलेगा इसका पता तो 10 मार्च को लगेगा, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार आने जा रही है। यूपी के जनता का जनादेश क्या है पता ही नहीं चल रहा है। इसको लेकर न्यूज चैनल्स के जो एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। हम आपको सबसे पहले आज तक इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया के एग्जिट पोल दिखाते हैं, जिसमें बीजेपी प्लस को 403 में से 288 से 326 सीटें दी गई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 403 सीटों में से 71 से लेकर 101 सीटें आने का अनुमान लगाया गया है। बीएसपी को सिर्फ 3 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के 1 से लेकर 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जी न्यूज के एग्जिट पोल में भी बीजेपी जीत रही है। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 403 में से 223 से लेकर 248 सीटें दी गई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 138 से लेकर 157 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीएसपी को 5 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 4 से 9 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। अगर न्यूज चैनल आर भारत की बात करें तो आर भारत के एग्जिट पोल में एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार बनती दिख रही है। आर भारत के एग्जिट पोल में यूपी विधानसभा के 403 सीटों में से बीजेपी प्लस को 262 से लेकर 277 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 119 से लेकर 134 सीटें दी गई हैं, जबकि बीएसपी को 7 से लेकर 15 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 3 से 8 सीटें एग्जिट पोल में दी गई है, जबकि अन्य के खाते में 2 से 7 सीटें आने का अनुमान है। अब आप एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल देखिए, जो बीजेपी गठबंधन को 403 सीटों में से 228 से लेकर 244 सीटें दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 132 से लेकर 148 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीएसपी को एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में 13 से 21 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें आ सकती हैं। अब देखिए इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 403 में से 240 से लेकर 250 सीटें दी गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 403 में से 140 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में 6 से 12 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 2 सीटों का अनुमान लगाया गया है।
अब देखते हैं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल को। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने बीजेपी गठबंधन को 403 में से 294 सीटें देते हुए यूपी में बीजेपी की जबरदस्त जीत का अनुमान लगाया है। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 403 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीएसपी को 2 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस को न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में सिर्फ 1 सीट दी गई है, जबकि अन्य के खाते में भी 1 सीट आने का अनुमान है। 10 मार्च को एग्जिट पोल का फटेगा ढोल, भाजपा का होगा डब्बा गोल, सापा की हवा बहेगी, सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलेगी। आज तक इंडिया टीवी, एबीपी, जी न्यूज और भारत और न्यूज 24 के एग्जिट पोल में एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल ने साइकिल को पंचर कर दिया और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिला दिया। ऐसे में समझना यह ज्यादा अब जरूरी हो गया है कि जहां इस बार बीजेपी के जीत दर्ज कराना एक बड़ी चुनौती थी, वहीं ऐसा क्या हो गया कि तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल ने एक साथ कह दिया बाबा फिर आएंगे। हमारा बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। इनका बुलडोजर 10 मार्च को छिन जाएगा। बुलडोजर तो अब रवा हो गया है, उसमें पूरा का पूरा ऑयल ऑयल सब लग गया है, ग्रीसिंग हो चुकी है, तैयार है, 10 के बाद 11 से फिर चल पड़ेगा। बुलडोजर आया काम, भगवाधारी ने जीता संग्राम। देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। जीत पर बाबा का छक्का, बबुआ रह गए हक्का बक्का। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा, उसके लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी एग्जिट पोल में अगर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, बाबा की लगातार दूसरी बार वापसी होते हुए दिख रहा है, तो ये सब बुलडोजर का ही कमाल है। बाबा ने बुलडोजर से दोस्ती की और यूपी की गद्दी पर 2022 में काबिज होने का चाबी ढूंढ निकाला। जब परिणाम आएंगे तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा। इनका बुलडोजर 10 मार्च को छिन जाएगा। ये तो बाबा के बुलडोजर का ही खौफ है कि दंगाई, माफिया, गुंडे, मवाली या तो जेल देवता के शरण में हैं या फिर यूपी से बाहर जान बचाए भाग रहे हैं। ये तो बुलडोजर का ही कमाल है कि यूपी में अगर बाबा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी की है तो वो है बुलडोजर की। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा, उसके लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी दूसरा है मुद्दा कानून व्यवस्था का है, जिसका असर तीसरे चरण से लेकर सातवें चरण तक दिखा। कानून व्यवस्था का खौफ इतना है कि मुख्तार अंसारी और आजम खान से लेकर अतीक अहमद तक बड़े से बड़े माफिया और बाहुबली डरे हुए हैं, क्योंकि ये सब सलाखों के भीतर हैं, जिससे जनता को खौफ मुक्त वातावरण मिला। ये सब के सब क्यों तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 2017 से लेकर 2022 चुनाव से पहले तक बाबा का बुलडोजर गुंडे माफियाओं के सीने पर तेजी से दौड़ा, और एग्जिट पोल के नतीजे देखकर 10 मार्च से पहले ही विपक्ष के साथ साथ माफिया और दंगाई की भी हलक सूखने लगी है। अब तीसरा और सबसे अहम मुद्दा, जो कि केंद्रीय योजनाओं का है, लेकिन उसमें घर घर राशन सबसे खास है। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की डबल डोज देने वाला देश का पहला राज्य है। देश में अब तक का ये सबसे बड़ा मुफ्त राशन वितरण अभियान है। इस योजना का लाभ गरीब, मजदूर और किसानों के लिए बड़ा सहारा है, जिसने कमल को खिलाने में अहम योगदान दिया है। हमने सरकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है
जिनके वो हकदार है और जिनको सरकार की योजनाओं की सबसे अधिक जरूरत है। चुनाव के दरमियान परिवारवाद का मुद्दा भी खूब गरमाया। सीएम योगी ने कहा कि जब भी भर्तियां निकलती थी तो चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। परिवारवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी खासे मुखर रहे। मोदी अपने हर एक चुनावी सभा में परिवारवाद पर अटैक करते रहे। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। अब इन सबके बीच जो मुद्दा आया वो तो बीच चुनाव में आया लेकिन काम कर गया और बीजेपी की जीत में नाम कर गया, वो है आतंकवाद का मुद्दा। इन चुनावों में आतंकवाद का मुद्दा गरमाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में जिन 38 दोषियों को फांसी हुई उनमें से एक के परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से है। का चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। मतलब साफ है, बुलडोजर कानून व्यवस्था, राशन और आतंकवाद, ये ऐसे मुद्दे हैं जो साइकिल पर पड़े भारी और तमाम उठा पटक के बीच कमल को खिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नतीजे के लिए भले ही अभी थोड़ा और इंतजार करना हो लेकिन एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि बाबा फिर आएंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।